तो जब मैं लौट के गया था वह समय में असमर्थ हो गया, समय में आने लायक नहीं था वो। हाँ, कितने साल के हुए था लगभग वो? अब नहीं है, गुजर तब कितना हुआ लगभग? लगभग कोई 15 साल से ज्यादा। अच्छा, क्योंकि हमने सुना है उस राम में एक बार आए थे गयाना का कलाकार लोग जितने आए थे उसमें था उस्ताद बाल गोविंद सिंह जी, उस्ताद मंगरू, दोनों भाई दशरथ और रोहित मंगरू, और ढोलकिया बाबू राम। इतना वो कलाकार सब सुन के श्रीनाम वाले जितने थे उस समय, जितना एक से एक कॉम्पियन थे उस समय निखिति के पैक में, अब जैसे सुना हूँ पता नहीं कितना सत्य है लेकिन सुना हूँ सभी पछड़ गए थे। तो एक पंडित था हम लोग का, पंडित बंसीधर रामचंद्र पंडित जी, वो खड़ा हुआ और कलाकार को खोजे कितने सब पछड़ते गए, उनसे मैंने न कि तकरार बाजी न लगे बल्कि कुछ उसके हाँ उसके साथ गा सके। तो आया हम लोग के गांव में, हम लिफोर्नो के निवासी, वहां के हम लोग के कलाकार अनेक भी है, हर्ष बालक काका लोग जो आप जानते हैं, नौलखार संगीत समाज के सभापति भाव जिनको दादा से पूछे, तो उनको लेके गए और तालिया में या सीसीएस में कहीं पर गाना हुआ, सीसीएस में हुआ, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास कुछ। तो वहां पर जो गाना हुआ दो दिन, एक दिन श्री रामचरित संगीत, एक दिन श्री कृष्ण चरित्र, इतना अच्छा अच्छा धुन गाया हुआ है और ढोलक बजे तो माइक्रोफोन की जरूरी ना रहा था। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, कभी नहीं मिले उनसे लेकिन आप तो साक्षात सबके साथ सत्संग किए हैं, आशा है कि आप कुछ कृपा करें सुनाने के तो बड़ी अच्छा होते। वो है जिस तरह ढोल बजाता था आज तक मैंने किसी के देख नहीं सुना, वो धुन ऐसा बजाने वाला ढोलक। फिर बहुत घूमा, अनेकों धुन बजाते थे वो, अनेकों धुन, वो उनसे बताना नहीं, आप उनसे बताना नहीं मैं कौन गीत गाऊंगा, सुन तो पहचान ले। वह उन्होंने वो कहते थे कि आप शुरू कीजिए, गाइए चाहे जो भी हो। हाँ। और कहता है कि मेरा आंखी बांध दीजिए। हाँ, तो भी बजा देगा, तो भी बजा देंगे। बहुत उत्तम कला इसमें होता है कि अंदर से प्रकट होता है। हाँ, ऐसा कलाकार मैंने नहीं देखा, परमात्मा से चाहता हूँ कि ऐसा पैदा हो। नहीं, सत्संग के प्रभाव भी है काका जी, और जो जिस तरह से जो सत्संग में अपना जीवन इसे बिता दिया है तो वो सुन के पहचान लेगा कि क्या धारा चलेगा और चटपट पकड़ लेता है। बहुत आनंद की बात है, बहुत कृपा है। हम देख रहे हैं हमारे दोनों भाई बगल में खड़ा है, देव भैया और भैया महेश, बड़े दिनों बाद मिला है, बहुत कृपा है काका जी आपके, ऐसे दोनों राम लक्ष्मण यहाँ पर है और साथ आपके साजबाज होगा, साथ में लव कुश भी हम देखिला है, तो जरूर कुछ यहाँ से कृपा है आप कुछ उद्घाटन कीजिए प्रोग्राम और कुछ, क्योंकि जनता वो तो जानते हैं आपको थोड़ा बहुत, देखिए ये बातें जो हुआ है ये बातें तो सबके लिए सुचिला बहुत नहीं कभी मिलते हैं सुने को, तो इसलिए हम छेड़ दिए बात को थोड़ा, बहुत बातें हैं करने के लेकिन कुछ संगीत हो जाए तो थोड़ा बाद में फिर और बात होते रहेंगे। तो आप हो सके तो कुछ अवश्य सुनाइए काका जी। अच्छा, धन्यवाद। अच्छा श्रोतागण, आप जिस तरह से सुने हैं बहुत कृपा, बहुत धन्यवाद है, और यहाँ से आपकी सेवा में आ रहा है साज बाज लेकर आए ढोलक बजा ले और अनेक कलाकार है, तो अभी बारी बारी आप सबको सुनेंगे और यहाँ से उस्ताद श्री सत्येंद्र रेखा जी जिसका जैसा आप जानते हैं उसको आप यहाँ से श्रवण कीजिए, लाइव प्रोग्राम है और जैसे भी आशा है कि आपके घर में सुंदर रूप से सुनाई दे, और जो भी इस उम्र में भी अभी काका जी सुनाते हैं, मुझे लगता है 50 साल पहले भी इसी तरह के आवाज से जब शुरू किया, और एक बात और याद है उस समय रामायण समाज लिखा जिसमें काका रामायण से पंडित श्री जी एक था मेरे ख्याल से, तो उन्हीं के निर्देशन में लगता है उस समय काका साहब सबसे नौजवान लड़का हुआ होगा। जी हाँ हाँ जी, बात देखो तो समय उम्र मेरा बहुत कम थी, हमारा उम्र शायद देखो बन जाए ऐसा ही हम कोशिश कर रहे लगातार जीवन ऐसे लगातार पर्यंत संगीत और भगवान के पास ऐसे देखो तो आज का रहा है
गाते ही रहेंगे जब तक भगवान स्वास्थ्य दिया है, तो अवश्य से कृपा बना रहे और कोशिश है कुछ आप लोग मनोरंजन के रूप में यहाँ पर जो भी प्रस्तुत हो सके। अभी कुछ कुछ अगर आपको कुछ और सुनना होगा तो अवतार कर सकते हैं, क्योंकि भैया रजी से वहाँ पर लिखने का आपका फरमाइश, तो अवश्य आप बता सकते हैं क्या क्या से क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये अवसर अनोखा है जो विशेष करके हमारे भैया प्रेम छोटू और भैया प्रेम छोटू के साथ में बड़े भैया श्रीमान योगेश सेतु भी इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, और धन्यवाद ऐसे सेठ लोगों को जो अपना धन को अच्छे प्रयोग कर रहा है और इसे समय दान जो यहाँ पर है, तो इससे बढ़कर भगवान उसको ऐसे सत्संग में इसे जोड़े रहे और आनंद चलते यहाँ से सत्ताकर आप इस स्वामी है उद्घाटन के रूप में काका जी कुछ बजा दे एक एक झलक, फिर उसके बाद यहाँ से गत आपकी स्वामी बढ़ते चला। तो यहाँ से स्वतःगण आपकी सेवा में स्वागत है श्री आचार्य श्री सत्यानंद रेखा उस्ताद जी, हम लोग प्रिय कलाकार सुनाम हरियाणा वेस्ट इंडीज भलन दुनिया भर का हम लोग का प्रिय कलाकार आपके साथ यहाँ पर अपना प्रथम संगीत आज रात्रि के अपना 77वां वर्ष ग्रंथ के उपलक्ष्य पर आप इस वहां प्रस्तुत हैं और ध्यान लगाकर आप घर पर आने लीजिए। धन्यवाद। बजरंगी रह जाए
ते सकल कले ईसाई भाइयों को गुड नाइट कहूं और मुस्लिम भाइयों को सलाम आर्य समाज भाइयों को नमस्ते सनातन को जय जय धन्य धन्य प्रभु धन्य हो की धन्य दिवस है आज धन्य धन्य श्री माता पिता और धन्य प्रेम छोटू और यो सब किया जिन्होंने रचाया फाहुन की प्रोग्राम आज है धन्य है महेंद्र जी जो साथ में मिलके बनाता है जो देश विदेश से पढ़ाई दे रहा है और धन्य सभी श्रोता जो आज हम सबको सुन रहा भारत की भापे आई के की ज्ञान की पट खोल दो भारत की भाग जरूर कर दे अब जय धर्म की बोल दो ज्ञान में व्यापार में इस देश के सिरमौर में वीरता और शिल्प का इस देश को अशोर हो हिंसा बने भारत हमारी जन्मभूमि कर्म का प्रेम से बोलो सदा जय जय सनातन धर्म का जहाँ भारत के संतान
आप सुने हमारे परम कलाकार श्री सत्यानंद रेखा जी आपको कितना सुंदर गाथा, पूरा विश्व का गाथा सुना डाला और छोटे में पूरा दुनिया, क्योंकि भारत माता स्वयं पूरी दुनिया है, था और रहेगा भी, चाहे हम लोग खंड खंड में बढ़ गए हैं, फिर भी जड़ जो है बीच है तो वो तो रहेगा। उसी का गाथा, जैसे धरती माता है उसे भारत माता ही एक ही है विश्व में, तो बहुत परम कृपा है कि ये गीत आपको सुनने को मिला है। और जो अभी काका सुनाए हैं, जहाँ ये ज्ञान गुण गान और इसे आनंद मिलते रहे, तो अवश्य ऐसा